وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي مريب پیارے بھائیو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا دنيا अजायब खाना है अजीब व गरीब चीज़ें इस दुनिया में पेश आना ये कोई नई चीज़ नहीं है बल्कि बसावकात ऐसे अमूर दरपेश आते हैं जो इंसान के लिए ताज्जुब होते हैं लेकिन उसी के साथ साथ ये भी एक हकीकत है जो कुछ भी पेश आता है ये दुनिया में वो अल्लाह तबारक वाली के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं के बगैर नहीं होता बसाओकत ऐसी चीज़ें पेश आती हैं जो अजीब व गरीब उसके ज़रिए से अल्लाह तबारक वाल अपनी कुदरत का इजहार करना चाहता है अपने मुखलिस नेक बंदों की ताईद और उनकी मदद करना चाहता है और उसके मख्तल से बहुत वजूहत हुआ करते हैं उन्हीं अजीब और गरीब चीज़ों में से एक वाकया मुझे तारीख़ और सीरत की किताबों में मिला जिसे इमाम जहबी रखल्ला अपनी किताब मजमोशयू में और इमाम हाफिज़ حجر हजर الله अपनी किताब अद्द्रलकामा में नक़ल करते इमाम जहबी الله ने इस किस्से को अपने उस्ताद जैनुलद्दीन الحسن हसन रबी رحمه الله के हवाले से नकल किया है और उन्होंने ये क़स्सा उस शख़्स से सुना है जिसके साथ ये वाकया पेश आया चुनान इमाम जहबी रहमल बयान करते हैं कि मुझे मेरे उस्ताद जैनुद्दीन अली बिन मरजू र्रबी असलामी ने यह बात बयान की उस वक्त हमारे पास हमारे उस्ताद तकीउद्दीन उद्दीन अलमिनसाति भी मौजूद थे तो हमारे उस्ताद ज़ैनुद्दीन ने बयान किया कि जमालुद्दीन इब्राहिम बिन मोहम्मद मोहम्मदीबी रमोल से मैंने सुना बयान करते थे मैं सोनजक खोजंदार हो लाकू ये मुग़ल वो बादशाह चंगेज़ खां के जो ख़ानदान वाले थे और वो उसके घराने वाले जो थे जिनकी हुकूमत यहाँ इराक़ और यहाँ पर काफ़ी दिनों तक चली है उनमें का एक हाकिम गुजरा है सोनजक खोजनदार ये शख्स अपनी माँ या अपनी बीवी जो असल नसरानी थे क्रिश्चियन थी उसकी वजह से इसने भी क्रिश्चियन मजहब नसारानियों का मजहब कबूल कर लिया था और शायद ये पहला शख्स है उस ख़ानदान से जिसने नसरानियत को कबूल की थी हजरत ज़ैनुद्दीन बयान करते हैं कि उनके उस्ताद ने बयान किया कि मैं इस सौंजक की मजलिस के अंदर एक बार बैठा हुआ था मुग़लों के बड़े बड़े सरदार भी मौजूद थे नसारा और क्रिश्चियन के बड़े सरकर्दा लोग और भी मौजूद थे सख्त सर्दी का ज़माना था बर्फ़बारी हो रही थी कि उन्हीं नसारा में से एक उनका आलिम एक बड़ा शख्स खड़ा होकर के कहता है कि ये मोहम्मद क्या है नवज़िल्लमदालिक्हुस मोहम्मद मोहम्मद की क्या तुम बातें करते हो ये तो एक बकरी के चरवाहे थे अरब के कुछ खसीस नवज़बिल्लमिक भूखे प्यासे लोगों के दरमियान से उठे और अपना माल उनके ऊपर ख़र्च किया इसलिए कि इन्हें यानी मोहम्मद को माल की ज़रूरत नहीं थी माल खर्च करके उन्हें अपने ताबे कर लिया इस तरीक़े से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेहुदा बातें करने लगा आपकी तोहीन में ज़ुबान दराजी करने लगा तो करीब ही सोनजग का एक बहुत ही पसंदीदा शिकारी कुत्ता बना हुआ था और इतना पसंदीदा था कि सौंजक ने उसे सोने के जंजीर में बात कर रखा था वो ये बातें कर रहा था कि अचानक वो कुत्ता झपटता है जंजीर को तोड़ा और आगे बढ़ करके इस नसरानी के चेहरे के ऊपर उसने हमला किया अपने पंजों से उसे जख्मी किया यहां तक कि खून बहने लगा लोग जल्दी से उठे कुत्ते को पकड़ा उससे अलग किया और उसे छोड़ा करके जा करके दोबारा बांध दिया हाजरीन में से किसी ने कहा कि तुम्हें यह सज़ा इसलिए मिली है कि तुमने मोहम्मद उनके बारे में यह गलीज बातें की है वो कहता है कि क्या तुम ये समझते हो कि कुत्ते ने मेरे ऊपर इसलिए हमला किया है कि मैं मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद फिदाह अबी व उम्मी कि उनके बारे में हमने गुफ्तगू की है नहीं ये कुत्ता बड़ा गैरतमंद है मैं अपने हाथों से इशारा कर रहा था हाथ झटक रहा था तो उसने ये समझा कि मैं उसके लिए मारने का इशारा कर रहा हूँ इसलिए वह हमारे ऊपर झपटा है वरना कुत्ता क्या और ये क्या चुनानचे वो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगा और बेहूदा बातें करने लगा अपनी बेहूदा बातें वो कर ही रहा था कि कुत्ता दोबारा उसके ऊपर झपटा जंजीर को तोड़ा उसे जमीन पर पछाड़ दिया और पछाड़ करके उसके गले को अपने दांतों के नीचे जोर से दबाया और वहां से गोश्त का एक टुकड़ा जोर से काट करके फेंका और इसी में उस नसरानी की मौत वाके हो गई नसरानी की मौत का वाके होना था कि लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ हम जैसे जो मुसलमान थे वो कहते हैं मैं कसम खाकर कहता हूं मैं देख रहा था कि कुत्ता उसके गले को दबाया है और नोच रहा है उसे पछाड़ा हुआ है और कोई शख्स उसकी मदद के लिए दौड़ नहीं रहा है यहां तक कि जब कुत्ते ने उसके गले से एक टुकड़ा काट करके फेंका तो वहीं पर उसकी मौत वाकई हो गई कहा यह खबर देख करके लोगों को ताज्जुब हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत वादे हो गई और आहिस्ता ही ये खबर पूरे शहर इलाके में फैल गई जिसकी वजह से इमाम जहबी ने नहीं लिखा और हाफिज़ ने हजर ने भी कि चालीस हज़ार मुगोल मुसलमान हो गए और शायद ये वही सबब बना है मुगोल के मुसलमान होने का और फिर इस्लाम में दाखिल होकर के इस्लाम की जो उनसे खिदमत हो सकती थी करने का जिसके तरफ अल्लामा इकबाल ने इशारा किया है है आया यू रिश तार के अफसाने से पासबां मिल गए काबा को सनम खाने से साथियों ये किस्सा हमने पढ़ा और आपने सुना सवाल यह है कि हमें और आपको इस किस्से सबक क्या मिल रहा है जो सबसे पहला सबक है वो ये है कि नबी करीम फिदा हो अभी व उम्मी आपकी रिसालत का मामला ये है दुनिया की हर चीज आपको रसूल मानती बल्कि दुनिया और आसमान की हर चीज आपको रसूल मानती है आपकी रसलत का अकरार करती है सिवाय जिन्नों और इंसों के नाफरमान लोगों की और ये वो चीज है जिसकी खबर हमें आपल्लम ने खुद दी है मुसनद अहमद सुनंद दारमी वगैरह महत जाबिर ने अब्दुल्ला रजील तुमा से मरवी है वो बयान करते हैं कि एक बार मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोग सफ़र में थे कि हमारा गुजर बनु नजार के एक बाग से हुआ उस जमाने में बाग और आज भी यहाँ आप लोग देखेंगे बाग को जो होता है वो दीवारों से घेर देते हैं लोग जिसे इहाता कहा जाता है इहाता बना दिया है और उसी से हमारे यहाँ देहातीबान भी अहाा कहते हैं उस दीवार जो किसी खेत वगैरह के गिर जो है वो दीवार घेर दी जाती है तो अपने बागचे में लोग ऐसा करते थे ताकि अंदर वो अपना प्राइवेसी अपना पर्दा वगैरह बाकी रहे बाहर के लोग अवला जल्दी आ ना पाए और घर के जो लोग रहते हैं उन पर लोगों की आसानी से नजर ना पड़े वो बयान करते हैं कि एक बागचे से हमारा गुजर हुआ हम लोगों ने देखा कि एक बागचे में एक ऊंट है जो बिल्कुल बफरा हुआ है और गुस्से में है जो कोई भी उसके करीब जाना चाहता वो उसके ऊपर हमला आवर हो जाता है इब्न रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जब लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया तो आप उस बाग में दाखिल हुए ऊंट को बुलाया जब नब्दुल्ला कहते हैं कि मैं देख रहा था कि ऊंट आपके पास आया अपना जबड़ा आपका मुंह अपने सामने रख दिया और अपने दोनों सामने के घुटनों को टेक करके आपके सामने बैठ गया आपने लोगों से कहा कि इसकी नकेल कहाँ है ले आओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नकेल उसकी नाक में डाली और जो ऊंट का मालिक था उसके हाथ में उसकी नकेल पकड़ा दी और कहा कि ले जाओ इसे काम पर लगाओ ये देख करके लोग ताज्जुब किए लेकिन वसल्लम ने हमारी तरफ मुतवज्जे होकर के फरमाया था लैस बैन वल अर्द इल्ला बई अन्नी रसूलुल्लाह आसमान और ज़मीन के अंदर जो चीज़ भी है जो मखलूक भी है वो जानती है और इकरार करती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ सिवाएल जिन्न वहाँ जिन्नातों और इंसानों में से जो अल्लाह के नाफरमान लोग हैं वो हमारी रसालत का इकरार नहीं करते और आप लोग बार बार वो सुन चुके हों कि आप सल्सा इरिशात सरमाया कि मक्के में एक पत्थर को मैं अब भी जानता हूँ कि जब मैं उधर से गुजरता था तो वो मुझे वालेकुम या रसूल कह करके मुझे सलाम करता था तो आज मैं जानता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल वसल्लम की रसालत इस कदर आम है कि सारी दुनिया के जिन और इंस और सारी दुनिया की मखलूक पर आपकी रिसालत का इकरार वाजिब है इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है तबारक अला तबारकी नजर फुरानी नजीरा ताकि आप सारे आलम के लिए एक आलम नहीं आलम इंस के लिए आलम दोनों के लिए आप नज़ीर बनाए खैर यह मौज़ू लंबा है इसको यहीं पर छोड़ते हैं दूसरा फायदा अल्लाह तबारा व तआला का वादा है और उसका वादा सच्चा है कि वो अपने रसूल और रसूल के सच्चे मुतबईीन की मदद करता है और उनकी तरफ से दिफा करता है अल्लाह ताला फरमाता है ámano, बेला अल्लाह तबारक व तैयार उन लोगों की तरफ से दिफा करता है जो लोग ईमान ले आए हैं सुर गाफ़िर में तो अल्लाह ताला फरमाता है बिलाशबह हम अपने रसूलों की और जो लोग ईमान ले आए हैं उनकी मदद करेंगे दुनिया की ज़िंदगी में भी और हम सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी में भी नहीं बल्कि कयामत के दिन भी हम उनकी मदद करेंगे ये अल्लाह तबारा को पता लगता है बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो आप पर ईमान ले आए बल्कि एक वाक़े को सुन करके जो किसी और मौके से मैं आपके सामने रखूँगा रतत उमर फ़ारूक रज़ील्ल तुने बयान फरमाया है कि अल्लाह तबारक वाल अपने मोमिन बंदे की तरफ़ से दिफा उसकी ज़िंदगी में जैसे करता है वैसे उसकी मौत के बाद भी उसकी हिफाज़त करता है तो अल्लाह तबारक व ताले वादा है और अल्लाह तबारक व ताल का वादा सच्चा है अगर हम पर अल्लाह की मदद नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि हम ईमान के दावे में झूठे हैं अल्लाह ताला का वादा झूठा नहीं हो सकता है इसलिए हमें और आपको अपना मुराजा करने की जरूरत है तीसरा फायदा अगर मुसलमान अल्लाह के रसूल वसल्लम की तरफ से दिफा करने से आजिद रह जाएं, तो अल्लाह तबारक तआला गैब से और अपनी अदना से अदना मखलूक के ज़रिए भी अपने बंदों की मदद करता अपने रसूल की मदद करता है अगर हम लोग नबी सल वसम की तरफ से या किसी भी नबी के मुतबईन अगर नबी की तरफ से दिफा करने से आजिज़ आ जाते हैं चाहे ये उनका अज़ हक हो या उनका अज बातिल हो किसी भी तरीक़े से दोनों सूरत हो सकती है तो अल्लाह तबारक व ताल अदना से अदना मखलूक सोचें कुत्ता क्या चीज़ है आखिर उसे इसने ये खबर किसने दी कि ये अल्लाह के रसूल हैं तुम्हारा फर्ज है कि इनकी मदद करो आखिर कुत्ते की जंजीर को जो लोहे की जंजीर थी किसने तोड़ा है अगर इतनी कमजोर जंजीर होती कि एक झटके में टूट जाए तो उससे बांधा ही ना जाता उसको लेकिन कुत्ते का झपटना और जंजीर का तोड़ देना और तमाम मजमा जो सैकड़ों की तादाद में होगा इकट्ठा होना और इकट्ठा हो करके भी उसकी मदद ना कर पाना आखिर ये अल्लाह तबारक तआला की, दिव... तो की तरफ से नबी की का दफा नहीं तो किसी की तरफ से अल्लाह तबारक अपने नबी की दफा पर कादिर है जिसका मजहर हम आपने बार बार देखा है अल्लाह तबारक तआला अपने नबी का दफा आग से भी कर लेता है अपने नबी का और नबी के पैरोकारों का मामला तो यह है कि अल्लाह ताला की मखलूक पानी भी जो बेजान है उनको राह दे देती है ऐसे कितनी मिसालें आपके सामने होंगी और उससे आगे बढ़ करके अल्लाह ताला तुरान मजीद में क्या फरमाता है ज़रा आप सुनें। इल्ला सुनेरूह फ़क्ला ए मुसलमानों अगर तुम अल्लाह के रसूल सलाह की तरफ से दिफा करने आपकी मदद से पीछा छोड़ाओगे तो तुम नबी का कुछ नहीं बिगाड़ोगे अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ोगे याद करो उस वक्त को याद करो उस घड़ी को जब नबी बेसर सामान अपने घर से निकलता है तो अल्लाह ताला कैसे उसकी मदद करता है कैसे उसकी हिफाजत करता है अल्लाह तस्रूह फ़कत न सर अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो अल्लाह तला उसकी मदद की है तो नबी की मदद करना साथियों नबी पर कोई एहसान नहीं करना है बल्कि अगर किसी शख्स को नबी की तरफ से दिफा करने का मौका मिल जाए तो ये उसके लिए बास शरफ़ है उसके लिए बायश इज़्ज़त है उसके लिए ये हजमत का मकाम है ना ये कि नबी सगड़ने वाला है उनकी बात तो अल्लाह तला करने वाला अल्लाह तला फरमाता है अल्लाह ने उस वक्त भी अपने नबी की मदद की इस अखरजीन कफरू जबकि काफिरों ने आप को उनके घर से निकाला था और आप दो थे गार के अंदर जाकर छुपे थे जब आपका साथी कह रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बिल्कुल गार के मुँह तक पहुंच चुके हैं अगर इनमें से किसी ने सर झुका करके देख लिया तो हमें पा लेंगे तो आपने क्या कहा था जन इन अबू बकर ना हो परेशान ना हो अल्लाह तमारे साथ है फल्लात अल तो अल्लाह तला ने अपनी तरफ से इतमान और सकीनत उन पर नादिल की और क्या फरमायाद बे जनऊिल और अल्लाह तला ने ऐसी फौज और ऐसी जमात से उनकी मदद की जिसे तुमने देखा नहीं है ये तो कुत्ता था इसे लोगों ने देखा है अल्लाह ताला नबी की मदद करने पर क़ादिर ऐसी चीज़ों से भी है जिनको आप देख नहीं सकते जैसे अल्लाह ताला ने उस वक्त फरिश्तों से मदद की तो कहने का मतलब यह है कि अगर मुसलमान अल्लाह के रसूल की खिदमत से आजिद आ जाते हैं तो ये ना समझें कि रसूल का कुछ बिगड़ जाएगा नहीं अल्लाह ताला उनकी तरफ से दिफा करने वाला काफ़ी है इसी तरह चौथा फ़ायदा ज़रा ग़ौर करेंगे अल्लाह तबारक व ताली किसी िम को छोटे और हल्के अदाबों में मबतला करके संभलने सोचने और तौबा करने का मौका देता है किसी भी ालम को उस पर हल्का अदाब ले आ कर के उसे छोटे अदाब में मुबला करके उसे सँभलने का सोचने का तोबा करने का मौका देता है फिर जिसकी किस्मत में अल्लाह तला ने हिदायत लिखी है वो सँभल जाता है और जिसके लिए बदबख्ती उसका नसीब बन जाती है वो अपनी दरात पर आड़ा रहता है फिर अल्लाह ताला उसकी गिरफ्त इस तरीके से करता है कि लोगों के वहमो गुमान भी वो बात नहीं होती साथियों फ़ायदा लिखते हुए करीब और मादियद के दसियों वाक़ात मेरे सामने आए हैं अभी मादिय करीब में हाल के एक मंबरे पार्लियामेंट ने जो कुल फिल्मी दुनिया में काम करने वालों के साथ मिल करके नबी करीम के बारे में एक गैर मुनासिब उसने फिल्म बनवाई आप आज भी अगर देखें अखबार में जा कर के पर बिटाए तो ये वाक्य आपको मिल जाएगा बनवाई जब देखा उसने कि चारों तरफ से मुजाहरात हो रहे हैं मुसलमान खड़े हो गए हैं उसने सोचा कि आखिर ये कौन सी जात है आखिर हमारी बदनामी इतनी क्यों हो रही है उसको अपनी जान तक का ख़तरा लाइक हुआ वो कहता है उसके बाद से मैंने मुसलमानों से मिलना शुरू किया कुरान की तालीम कुरान को पढ़ना शुरू किया आप सरतन की सीरत पढ़नी शुरू की और फिर आ के मुसलमान हो गया वो शक और अभी माध्य करीब ही में आकर के उसने मक्का मुकर्रमा और की ज्यारत की है और आप सरतन के रोदे पर जब पहुंचा है तो शर्मिंदगी उसने रो दिया तो ये अल्लाह तैयार का मौका है बाबरी मस्जिद जिसको अभी जानते हैं जुलमन ढाया गया है वो शख्स जो सबसे पहले लोगों में था जिसने उसके ऊपर फावड़ा चलाए है कुदाल चलाया है पंजाब का रहने वाला था एक शख्स बाद में मुसलमान हुआ आकर के कोयत में रहा वहां मुसलमान हुआ और ऐसे एक से जायद जरा देखें मुसलमान हुए कि उसने एक नहीं दो नहीं कहा कि एक मस्जिद को हमने ढाया है उसके एवज में मैं सौ मस्जिदें बनवाऊंगा और उसके लिए कोशिश कर रहा है मुझे याद नहीं कितनी मस्जिदें उसने बनवा दी तो अल्लाह तबारक तआला इसलिए कि वो खुद समझ रहा था कि अब मेरे लिए दुनिया तंग है हिंदुस्तान में पकड़े जाने का खतरा था लिहाजा वो कोयत भाग गया वहां से निकल करके वहां अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक तआला वालों को उन छोटे छोटे अदा मुबतला इसीलिए करता है ताकि वो लोग तोबा करें वीकना छोटे हल्के अदाब का मदा हम उन्हें चखाएंगे बड़े अदाब से पहले लहुमयर ताकि वो लोग रुजू करें अल्लाह तरफ तोबा करें इस वालिम को जो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा था अल्लाह ने एक मौका दिया अल्लाह ने मौका दिया क्या कुत्ते ने पहली बार सिर्फ उसका मुंह नोचा उसे खून आलूद कर दिया और उसे पकड़ लिया गया लेकिन चूंकि अल्लाह ने बदबखती उस पर मुसलत कर दी तो उसने तोबा नहीं किया लोगों ने समझाया भी सुझाया भी लेकिन उसे समझ नहीं आई साथियों ऐसी चीज है कि अगर इंसान अकल रखता है और, तो और तो रखता है गौर करें तो उसकी बात आ जाती है आज दुनिया के वो हुकाम जो मुसलमान और दीन के दाइयों को तंग कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि उनकी लाखों कोशिशों के बावजूद ना उनके यहाँ सियासी इसतरार है ना इक्तसादी फरावानी है ना अमन कायम है बल्कि वो लोग मुसलमानों को जिस कदर तंग कर रहे हैं उन पर मसाहब का सैलाब उतना ही बढ़ता जा रहा आप देखें मैं सिर्फ अभी हिंदुस्तान की मिसाल दूं अरे मादी करीब में पिछले साल दो साल में कुछ वालिमों ने और शैतानों के ग्रुप ने मुसलमानों के खिलाफ मूब लिंचिंग और उन्हें मारने का सिलसिला शुरू किया ये इबरत है काश के लोग इबरत हासिल करें सोचें इस बारे में और मुसलमानों को भी अपनी इसलाह के बारे में सोचना चाहिए एक दो तीन चार बिहार से मशरिक से मगरब से जुनूब से शिमाल से हर तरफ से खबर आई कि हाँ भाई उस मुसलमान को मारा गया उसको मारा गया उसको मारा गया साथियों अभी चंद महीने भी नहीं गुजरे थे कि ये मामला खुद, उनके दरमियान शुरू हो गया हत्या ये मामला उनके बुत खानों तक बुतों के पुजारियों तक पहुंचा है और शायद आप शुमार करें तो जितने मुसलमान नहीं मारे गए तो उससे ज्यादा उनके पुजारी मारे गए और बाकी जो औरतों की बेजती हुई उन्हें कत्ल किया गया उनको जलाया गया और उनको वो अलग मसला है आज खुद वो अपने से परेशान है ये अल्लाह ताला मुतनब्बे कर रहा है छोटे आदाब दे रहा है भी बड़े आदाब से पहले और सबसे बड़ा आदाब तो आखिरत में उनका इंतजार ही कर रहा है सच फरमाया है अल्लाह तबारक वाले वही का फरू लियुस बो यखनुरिजू का अल्लाह तो उस वक्त वो तो भी याद कीजिए जब आपके साथ काफिर लोग चाल चल रहे थे कोई कह रहा था कि आपको जकड़ दिया जाए बांध दिया जाए कोई कहता था कि आपको कत्ल कर दिया जाए और कोई कह रहा था कि आपको शहर बदर कर दिया जाए अल्लाह ने क्या उस पर दाली चढ़ाई है माता है वयम न वयम कर वो अपनी चाल चल रहे हैं और अल्लाह ताला अपनी चाल चलता है खैरुल की अल्लाह ताला से बेहतर चाल चलने वाला कोई और नहीं हो है एक आखिरी बात कह के अपनी बात को रोकता हूं कि देखिए जब इंसान का दिल मुर्दा हो जाए और हसद के आग में जल करके उसका दिल काला हो जाए जिसे हम और आप कहते हैं कि दिल सख्त हो जाए तो उसके ऊपर नसीहतों का कोई असर नहीं होता अदाब को अपनी आंखों से देखता है लेकिन वो इबरत हासिल नहीं करता है मुर्दों को अपने हाथों से दफन करता है लेकिन कब्र के बारे में नहीं सोचता है तबाहियाँ और बर्बादियां और सैलाब को अपने घरों में एक दो मंजिल तक पहुंचा हुआ पानी देखता है लेकिन फिर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने के बारे में नहीं सोचता है। हमारी कोताहियां और नादानियों की वजह से अल्लाह तबारक ने महीनों तक हमें अपने घर से दूर रखा है फिर भी जब हमें फुर्सत मिली है तो अल्लाह के घर की तरफ आने की तोफीक नहीं होती है क्यों इसलिए कि यह दिल मुर्दा हो गया अल्लाह ये परेशानियां क्यों ले आता है हमने उन्हें रसूल के नाफरमानों को सख्तियों के अंदर परेशानियों में इसलिए मुबतला किया है ताकि वो अल्लाह ताला के सामने रोए और गिड़ा गिड़ाए आखिर ताला का जब आदाब आया सख्ती आई तो आखिर रोए क्यों नहीं नमाजों का रुख क्यों नहीं किया मजद आबाद क्यों नहीं की अपने गुनाहों से तोबा क्यों नहीं की वजह उसकी क्या है वला किन कसत قلوبهم हक यह है कि उनके दिल ही मुर्दा हो चुके जैसे जिसम जब मुर्दा हो जाता है तो उसके ऊपर ठंडे और गर्म पानी में कोई सतर नहीं पड़ता है आप उस पर कोड़े बरसाइए नश्तर चलाइए दिल को फाड़ करके निकाल लीजिए आंख को निकाल ले लीजिए वो आपसे कुछ भी नहीं कहेगा क्या हो रहा है इस तक भी नहीं कहेगा वो क्यों इसलिए उसका जिसम मुर्दा हो चुका है ऐसे जब हमारा दिल मुर्दा हो जाता है तो उसके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं होता अल्लाह तबारक व तारा से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिफा की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताली हमें और आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हामी बनाए अल्लाह ताली हमें और आपको उन ग्रुप में शरीक करे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिफा करने में पेश दर पेश रहते हैं व वालेक व बरकातहू ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने में हमारी मदद करें